Hi guys, in this video we'll talk about how to prepare for NCHM CET JEE 2025 examination pre-Diwali and post-Diwali. और इसके साथ साथ अगर आपका 12th बोर्ड भी है तो दोनों एग्जाम को आप कैसे मैनेज करोगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा. इसको लेके मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा 12th बोर्ड को कैसे मैनेज करना है अलॉन्ग विद दी JEE. तो चैनल से कनेक्टेड रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. मेनुअर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस चैनल का नाम है, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी सिंगल वीडियोस. इसके अलावा जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं कंप्लीट टाइम टेबल को लेके आने वाले हैं, वीक वाइज प्लानर जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था. मेनी ऑफ यू हैव डिमांडेड फॉर दैट वीडियो, तो वो वाला वीडियो मैं पोस्ट करूंगा इस चैनल पे. फिर सेक्शन वाइज प्लानर और जितने भी टॉप IHM उनके प्लेसमेंट्स क्या चल रहे हैं और कैसे आप अच्छा स्कोर लेके आओगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये सारी वीडियोस इस चैनल पे आएंगे, तो बी कनेक्टेड ऑन दिस चैनल और ये वीडियो शेयर करना आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. तो अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है. तो दिवाली के टाइम पे हमें सेलिब्रेशन का टाइम जो बोलते हैं हम, वहाँ पे हम टाइम अपना लगाएंगे. तो इस साल मेरा आपको यही एडवाइस है, इफ़ यू आर पेरेंट हु आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, तो बच्चे को बोल दो भाई इस साल खाली 12th बोर्ड अगर कर रहा है तो वो और JEE की एग्जाम, ये दो पे फोकस कर ले. अच्छा IHM मिलता है, टॉप IHM मुंबई एंड दिल्ली है ना. इसके बाद बैंगलोर गोवा हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट लखनऊ इज़ देयर, चंडीगढ़ इज़ देयर, कोलकाता इज़ देयर. जो भी IHM आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अच्छा रैंक आएगा तो बात बनेगी. तो वी नीड टू हिट गुड रैंक इन JEE एग्जामिनेशन. स्कोर वाइज आउट ऑफ 800 700 के ऊपर का टारगेट लेके चलो, ठीक है. 700 के ऊपर का 700 प्लस का टारगेट आउट ऑफ 800, ओके. तो अगर ये टारगेट लेके चल रहे हैं हम तो अराउंड 700 हम होने वाले, 650 के तो ऊपर ही होंगे, अच्छा IHM मिलेगा, ठीक है. सो दिवाली के पहले क्या करना है आंटी, दिवाली और दिवाली के बाद क्या करना है, वो सारी चीज़ें आई विल बी टॉकिंग अबाउट. मेनली चार चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है, प्री दिवाली वर्कआउट एंड पोस्ट दिवाली वर्कआउट. चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं साइड हो गया हूँ, ओके. तो अगर आपने पढ़ाई चालू की है बहुत सही है, कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन. और अगर पढ़ाई नहीं चालू की है तो पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है. मई मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर अबाउट टू ओवर है ना, अभी 8-10 दिन बचे हुए हैं. तो आपका नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है, तो 6-7 महीने रफली. और उसमें भी अगर आप 12th बोर्ड कर रहे हो तो वहाँ पे भी टाइम देना होगा आपको. सो मेरा आपको एक सजेशन ये है कि आपका जो IHM में एडमिशन होने वाला है वो NCHM CET JEE के स्कोर है, उसके रैंक के बेसिस पे होने वाला है, ना कि 12th बोर्ड के आपके परसेंटेज पे. तो मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 12th बोर्ड में अच्छा नहीं करना, आप करो, वहाँ पे भी 60 प्लस 70 प्लस जा रहे हो या उससे अच्छा जा रहे हो तो अच्छी बात है. बट मेजर फोकस आपका JEE पे होना चाहिए, बिकॉज इसका जो रिजल्ट है यही आपको एडमिशन दिलवाएगा, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है. ये आपके पेरेंट्स को भी बता दो, ये वीडियो शेयर कर दो, एंड आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. एंड या इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक JEE, वॉन्ट टू गेट इन टू द टॉप IHM, अच्छा रैंक लाना है, देन यू कैन ज्वाइन द मेनुअर बैचेस. फॉर क्लासरूम यू कैन विजिट आर मुंबई एंड पुणे ब्रांच, ओके. पुणे में डेक्कन बस स्टॉप के अपॉइंटमेंट नियर टू डेक्कन मेट्रो स्टेशन, एंड मुंबई में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन आप कहीं पे भी हो तो दादर थाने अंधेरी बोरीवली से यू कैन विजिट. अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो तो पैन महाराष्ट्र पैन इंडिया के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आर ऑनलाइन टीम फॉर द लाइव क्लासेस बैच. बाकी बुक्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल कोर्स, उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में पहली चीज़ है गाइडेंस और दूसरी चीज़ है मेंटरशिप, ठीक है. कैसे ओवरऑल सेक्शन को प्रिपेयर करोगे, क्या क्या IHM है, कितनी सीट्स है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें. एंड मेंटरशिप रिगार्डिंग योर सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी. सो आई कीप मीटिंग ऑल द स्टूडेंट एट सेंटर ऑल्सो एंड लाइव बीजे भी लेक्चर ले रहा हूँ, यू कैन मीट मी, यू कैन इंटरेक्ट विथ मी. तो मेंटरशिप भाई ज़्यादा मैटर करेगी, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन तो लगेगा, स्टडी मटेरियल लगेगा, टेस्ट सीरीज लगेगा, बट साथ में स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, जो मेंटरशिप है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. स्टडी मटेरियल यू शुड हैव अ गुड मटेरियल. तो इफ यू हैव ज्वाइन मेनुअर तो मेनुअर का ये सेट ऑफ बुक्स यू विल बी गेटिंग, ठीक है. ये सेट ऑफ बुक मिल जाएगी आपकी लॉजिक की, इंग्लिश की, मैथ्स की, तो ये सेट ऑफ बुक कलेक्ट कर लेना, ओके. एंड इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन दिया है पर टॉपिक, 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. वीडियो लेक्चर्स, तो वेन यू ज्वाइन द बैचेस यू विल गेट द 400-500 प्लस वीडियो का, वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का एक्सेस. लेक्चर्स के पहले आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख के फिर लेक्चर में आओ, और ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज प्री दिवाली वर्कआउट में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है. तो जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो पढ़ाई चालू कर देना, बिकॉज आप जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो आपसे पहले काफ़ी लोगों ने पढ़ाई चालू कर दी है, ठीक है. और आप जितना लेट करोगे उतने लोग आपसे पहले प्रिपरेशन चालू करके
थोड़ा आगे रहेंगे आपसे, बट दैट डज नॉट मीन कि अभी आप पढ़ाई नहीं चालू कर रहे हो तो आप पीछे हो या तो आपका क्रैक नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, अब नहीं चालू किया तो थोड़ा दिक्कत होगी, बिकॉज सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट है। ओके, नाउ लेक्चर, लेक्चर आप क्लासरूम या लाइव, अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो तो लाइव या जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन की हुई है लेक्चर वाइज। देन मॉक, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज एंड फुल लेंथ, तीन तरीके से मॉक लिखने की जरूरत है। पूरे टॉपिक में अच्छा हो गया उसके बाद जाके पूरे सेक्शन में अपने आप को बेटर करो, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो विल बी लॉन्चिंग 20 मॉक, 10 टू 20 फुल लेंथ मॉक आपके एनसीएचएमसीटी जेईई को लेकर लॉन्च होंगे। सो वो लिखना है अपने को, तो उस मॉक को लेकर मेरा अलग से वीडियो अगेन चैनल पे ही आएगा। दैट इज वाई आई एम सेइंग इस चैनल को डेफिनेटली आप ज्वाइन करके रखो, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी वीडियो, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी वो मैं सेशन में, वर्कशॉप में भी डिस्कस करता हूँ, एंड एग्जाम के पहले भी मेरे वर्कशॉप होते हैं, ठीक है। सो डोंट मिस एनी काइंड ऑफ अ वर्कशॉप। तो ये सारी चीज़ें हैं रिसोर्सेज में जो आपको रिक्वायर्ड होगी एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मिस्टेक्स क्या क्या अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़ तो भाई लेट पढ़ाई चालू नहीं करनी है। जिस दिन मेरा वीडियो देख रहे हो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ये गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक महीने पहले जागते हैं, एक हफ्ते पहले जागते हैं, या तो फिर 15-20 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट लेट प्रिपरेशन चालू करो, बिकॉज अच्छा IHM मिलेगा तो प्लेसमेंट भी अच्छा है, ठीक है। और IHM मुंबई दिल्ली है तो, या IHM बैंगलोर है थर्ड नंबर पे, उसके बाद आपका गोवा, हैदराबाद, कोलकाता, ये सारे IHM अच्छे टॉप 5 टॉप 10 IHM में जाने के बारे में सोचो। टॉप 10 IHM का वीडियो हमने ऑडी बनाया हुआ है, ये थंबनेल लिंक में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली चेक इट, गो एंड वॉच दिस वीडियो, ठीक है। उसके बाद IHM डिसाइड नहीं किया है सर मैंने, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। भाई बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन कौन से IHM में जाना है वो तो पहले डिसाइड करो ना, और उसके लिए रैंक क्या चाहिए, तो ये गलती नहीं करनी है। डिटेल काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट, वेन एवर यू विजिट आर सेंटर आर काउंसलर विल बी हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ डिटेल NCHMCET प्रिपरेशन एंड दी कंप्लीट करिकुलम, ओके। अगर आप लाइव में टीम से बात करोगे तो दे विल बी ऑल्सो गाइडिंग यू, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। सिलेबस अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप प्रिपेरेशन क्या कर रहे हो, ठीक है। सो यू शुड नो डिटेल सिलेबस हर सेक्शन से, लॉजिक हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, मैथ्स का सेक्शन, क्वांट का सेक्शन जो हो गया आपका, उसके बाद आपका GK का सेक्शन हो गया, ठीक है। सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर तो ईजी है, सो डोंट नीड टू वरी। पास्ट पेपर की एनालिसिस, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो पास्ट एनालिसिस लास्ट ईयर हमने कंप्लीट एनालिसिस इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग में चले जाओ, लाइव वाले सेक्शन में यूट्यूब पे, वहाँ पे हमने पूरा सोल्यूशन पोस्ट किया हुआ है, काइंडली गो एंड चेक दैट, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होगे, ओके। एंड या शॉर्टकट के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा, यू शुड नो कि क्वेश्चन को 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड या मैक्सिमम 60 सेकेंड में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं पता होगा तो अटेम्प्ट नहीं बढ़ेंगे, आप अटेम्प्ट मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपका 40 सेकेंड या 60 सेकेंड लगे, बट कुछ क्वेश्चन आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट भी गाइड यू, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करो, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा, ठीक है। सो रिकॉर्डेड वीडियोस में जो जितने भी आपके क्वेश्चन आए रहे, उसके बाद आपके लेक्चर में जो कंटेंट है, उसके बाद आपके टेस्ट सीरीज में जो है टॉपिक एंड सेक्शन, फिर फुल लेंथ, इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब मोर देन सफिशियंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्री दिवाली क्या क्या काम करना है, बट ये काम करने के लिए यू शुड हैव एक्सेस ऑफ कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो। तो जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, विच एवर बैचेस यू आर ज्वाइनिंग क्लासरूम और द लाइव, ये एक्सेस ले लेना, इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। नंबर वन न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस अगर कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, इंडियन एक्सप्रेस पेज वन, जितने भी हॉट GK की न्यूज़ होती है, करंट अफेयर्स की न्यूज़, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट में आपका पेज वन हो जाएगा, ओके। उसके बाद एडिटोरियल पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 6 या 7 होता है, सफिशिएंट है, ये दो पेज आपको पढ़ने हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स का न्यूज़ देखना है आपको या इकोनॉमिक पेज, वो देख लो आप, ओके। सो एक घंटा कम से कम आप इस पे लगाओ, इससे आपका एक GK तो अपडेट हो रहा है एंड ग्रेजुअली आपकी इंग्लिश भी बेटर हो रही है, रीडिंग का पेस अच्छा हो रहा है, डेली बेसिस पे आपको 4-5 नए वोकैब मिलेंगे, ग्रामर मिलेंगे, इंग्लिश आपकी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ये काम करना है विदाउट फेल। अभी न्यूज़पेपर मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, या तो हार्ड कॉपी ले लो, है ना, मार्केट से 6 महीने या 9 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, 2-3 हज़ार रुपये लगा लो, जो भी आपके सब्सक्रिप्शन का मॉडल है वो देख लो, या तो फिर कंप्यूटर या लैपटॉप पे न्यूज़पेपर पढ़ लो। मोबाइल पे आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज एग्जाम आपका कंप्यूटर लैपटॉप पे है, और हार्ड कॉपी लेकर पढ़ोगे थोड़ा सा हाईलाइट करके गंदा करके पढ़ो, थोड़ा मरमर करके पढ़ो, लिसनिंग स्किल भी अपनी डेवलप होगी, ठीक है। ग्रामर रूल, ग्रामर रूल के पूरे वीडियोस आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, ये वाला जो मैंने बताया आपको सेक्शन, सारे रूल्स गो थ्रू अच्छे से कर लो, बिकॉज ग्रामर पता होगा तो उसके बेसिस पे, उसके एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से बना पाओगे, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग, एक आरसी सॉल्व करना चालू कर दो डेली का। एक आरसी सॉल्व कर रहे हो तो मतलब आप समझ लो ना कि आपके बुक में भी दिया हुआ है और डैशबोर्ड पर लॉग इन करोगे 500 क्वेश्चन का हैंडआउट दिया हुआ है। आरसी का लेवल काफ़ी इजी टू मॉडरेट होने वाला है, बट अगर आपने प्रैक्टिस की है तो एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे। 60 क्वेश्चन आने वाले इंग्लिश सेक्शन से, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का है। ओके, जीके, जीके में यू कैन स्टार्ट विथ हिस्ट्री, स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ। आपके डैशबोर्ड पर लॉग इन करो, हिस्ट्री का पहले वीडियो देखो, फिर हिस्ट्री का हैंडआउट दिया वो करो, और फिर जो आपको मेनूवर की बुक मिली है उसमें से हिस्ट्री का टॉपिक खत्म करो। उसके बाद जो हम मॉक देंगे आपको, 500 क्वेश्चन का मॉक आएगा, इतना वो करना है। इतना कर लिया तो मतलब आपका जीके बहुत अच्छा हो गया है ना। तो मैक्सिमम जनता का स्कोर तीन सेक्शन में नहीं आता, पहला जीके, दूसरा मैथ्स और तीसरा इंग्लिश, और ये तीनों सेक्शन में स्कोर ना आने से ओवरऑल स्कोर प्रॉब्लम में आता है। तो ये आप समझ के चलो आपको अभी से सारे एरिया पे काम करने की ज़रूरत है। वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक वोकैब वाली बुक है, ठीक है, ये बुक मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, और आपके एग्ज़ाम में भी वोकैब आराम से 10 से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये बुक है, ठीक है, पतली सी बुक है। ओके, इसके अंदर 45 सेशन दिया हुआ है, सैटरडे संडे रिवाइज करो, मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करो, ठीक है ना। तो एक सेशन करने में 20 से 25 मिनट लगेगा, और हर सेशन के बाद एक्सरसाइज दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, उसको पेंसिल से करना, कुछ गलती हो गई तो उसको इरेज करके आप करेक्ट कर सको। तो मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करो, सैटरडे संडे रिवीजन करो, और जैसे आपका एक सेशन करके हो जाए आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे लॉगिन करना। इसका पूरा वीडियो, इस बुक का पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, तो उस वीडियो को जाके सुनो, एक बार फटाफट आपका रिकैप कर लोगे आप, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है, 2.5 महीने में बुक कवर हो जाएगी। अभी मैं अभी अक्टूबर में बना रहा हूँ ये वीडियो में, तो दिसंबर एंड तक आप पकड़ लो ना, ये बुक हो जाएगी आपकी, उसके बाद एक बार रिवाइज, दैट्स ऑल। और ये बुक इसलिए भी मत करना कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, नहीं, वो तो करना ही है, उसके लिए तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आप होटल इंडस्ट्री में जाने वाले हो यार, अलग अलग लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश तो मैटर करेगी, तो ये वहाँ पे भी आपको वोकैब काम आएगा। जो भी वोकैब आप सीखोगे ना, उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करो, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। ये काम हो गया इंग्लिश का, जीके का। अब बात करते हैं लॉजिक, लॉजिक में ये टॉपिक है नंबर लेटर सीरीज, ये वीडियो देख लेना है, और आपकी जो बुक मिली है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ताकि हमारा बेस अच्छा हो गया है, ठीक है, लॉजिक को लेके भी। मैथ्स के अंदर स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन एंड रेशो, ये चार टॉपिक आपको डैशबोर्ड से देखने हैं, और बुक उठा करके क्वेश्चन इजी वाले प्रैक्टिस कर लेना, मतलब पर टॉपिक 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इतना काम आपको दिवाली के पहले कर लेना है, 10 दिन अभी दिवाली को बचा हुआ है। अगर आप ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट देख रहे हो, लेट से कि दिवाली में देख रहे हो या दिवाली के बाद देख रहे हो, देन अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आई डोंट वॉन्ट कि आप दिवाली में ज़्यादा टाइम अपना सेलिब्रेशन में लगाओ। इस साल सेलिब्रेशन अपना IHM का सिलेक्शन ही है, उस IHM के सिलेक्शन के बाद हम पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई भी खाएंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी के लिए IHM की प्रिपरेशन, NCHM CET JEE की प्रिपरेशन हैज़ टू बी दी फोकस एरिया, ठीक है। ये हो गया आपका मैथ्स का, ये पूरे वीडियो आपके डैशबोर्ड पे दिए हुए, इतना काम आपको प्री दिवाली करना है। तो मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन इन टॉपिक को लेकर के। और सो ये आपका डैशबोर्ड का एक्सेस यू विल बी गेटिंग, क्वांट के अंदर ये स्पीड मैथ्स हो गया, परसेंटेज के ये वीडियो हो गए, तो ये सारे टॉपिक करने हैं। वैसे ये रेशो प्रोपोर्शन का हो गया है ना, एंड लाइकवाइज इफ यू विल कम डाउन, इंग्लिश के अंदर जो मैंने बताया ये लॉजिक हो गया। लॉजिक के अंदर आपको नंबर लेटर सीरीज पहला ही टॉपिक है, जो आपको ये टॉपिक है, ठीक है, इन सब के वीडियोज़ दिए हुए, ये कवर करना है। वैसे ही आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में जाओगे तो ओके। सो इंग्लिश के अंदर ग्रामर रूल्स के ये सारे वीडियोज़, ठीक है, ये कवर करने हैं। और फिर हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, वो कवर करना है। ये हैंडआउट्स वाला सेक्शन में जाना, ग्रामर के यू विल बी गेटिंग ऑल दी हैंडआउट्स। और जीके के अंदर आपका स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के अंदर हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के ये सारे मॉड्यूल हैं, ठीक है। सो जितना जल्दी हो सके ये सब प्रिपरेशन चालू कर दो। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, मैं डिटेल में सिलेबस वर्सेस टॉपिक वर्सेस वेटेज वाला भी वीडियो लेके आऊँगा, तो वो भी देख लेना, ठीक है। एंड लास्टली दिवाली के बाद क्या करेंगे अपन, ठीक है, दिवाली के बाद आपके जो लेक्चर्स हैं दैट विल बी कंटिन्यू क्लासरूम एंड लाइव, ठीक है। तो जो आपके जो भी मोड आपने ज्वाइन किया हुआ है, कंटिन्यू विथ योर न्यूज़पेपर रीडिंग, ग्रामर, RC, वर्ड पावर, मेड इजी, ठीक है। आफ्टर देन ऑल दी लॉजिक टॉपिक, इंग्लिश के टॉपिक के लेक्चर्स एंड प्रिपरेशन प्रैक्टिस, मैथ्स के, जीके के एंड सर्विस सेक्टर भी, ठीक है ना। तो मेरा आपको ये बोलना है कि दिसंबर 2024 तक आपके मेजर चंक्स आप कवर करो। क्वांट के अंदर पूरा अरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट
एवरेज टॉपिक, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अरिथमेटिक खत्म हो गया, और फिर डी आई पी आ जाओ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आप दिसंबर तक कर लो तो मेजर लेवल पे जो क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आई सजेस्ट कि पूरा इंग्लिश खत्म करो यार, आपके डैशबोर्ड से वीडियो देखो, लेक्चर्स अटेंड करो, इंग्लिश पूरा खत्म करो। जीके भी उसी तरह से स्टैटिक जीके पे एटलीस्ट काम करना चालू कर दो। करंट अफेयर्स के लिए आइडली 6 महीने का करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं 9 महीना 1 साल का बोलता हूँ। तो आपका एग्जाम होने वाला है मई में, पेपर बन चुका रहेगा अप्रैल में, तो मार्च 2024 से लेके या अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक का करंट अफेयर्स इतना कर लेना है अपने को। तो कोशिश करो कि मेजर चंक्स आपके दिवाली तक कवर हो। एंड वैसे ही लॉजिक से ट्रेडिशनल लॉजिक है ना, जो भी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलॉजम, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक आप दिसंबर तक कवर कर लो। तो मेजर चंक्स अगर आप दिसंबर तक कर रहे हो, आपके डैशबोर्ड पे वीडियोस हैं और जैसे जैसे लेक्चर चल रहे हैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जानी है, मतलब लेक्चर हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट लिखो, ठीक है। सो अगर इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो बर्डन भी नहीं होगा और आराम से आप मैनेज भी कर लोगे, ठीक है। 3-4 घंटे का टाइम निकालो जेई की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 12 बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको भी मैनेज करो, इसको भी मैनेज करो, सुबह में 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा, दिस इज हाउ यू कैन मैनेज, ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम आपका फैब या मार्च में होने वाला है, तो दिसंबर तक हम थोड़ा फोकस करके इस पे काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बाद में आप जनवरी फैब में बोर्ड पे बिजी हो जाओगे। अगर आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द जेई, तो फिर और अच्छी बात है, थोड़ा और फोड़ के फिर 6-7 घंटे 8 घंटे लगाओ, ठीक है। तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि कौन सा वाला IHM आप टारगेट कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हाउ मेनी आवर्स यू पीपल कैन डिवोट फॉर द प्रिपरेशन। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में उसी हिसाब से चैनलाइज करके आई विल मेक इट, ठीक है। तो एंड या वेरी सुन विल बी स्टार्टिंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन दिस चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट रिगार्डिंग दी एग्जामिनेशन। बाकी प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, क्लासरूम के लिए मुंबई एंड पुणे यू कैन विजिट, आर काउंसलर विल हेल्प यू, एंड पैन इंडिया पैन महाराष्ट्र के लिए ऑनलाइन टीम, बाकी पैन इंडिया पैन महाराष्ट्र के लिए ऑनलाइन नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट, एंड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कंप्लीट टाइम टेबल वाला वीडियो आने वाला है उसका कंप्लीट PDF आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, काइंडली ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको HM ओरिएंटेड, होटल मैनेजमेंट ओरिएंटेड सारे एग्जाम की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड Instagram फॉलो कर लेना, यहाँ पे भी आपको काफ़ी वेराइटीज वाले कंटेंट मिलेंगे आपके एग्जाम को लेके। आप एक इकोसिस्टम में हो होटल मैनेजमेंट के, सो दैट आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा और कुछ भी आप मिस नहीं करोगे। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो, प्रिपेयर वेल एंड लेट्स क्रैक NCHM CET JEE 2025 दिस ईयर ओनली, और एक अच्छे टॉप IHM में अपनी सीट सिक्योर करते हैं। एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।